हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज का क्लास 10th के लिए चलने वाला है, विशेष रूप से क्लास है। हमने लगभग बहुत कम वीडियो दिए हैं 10th का इस बार, लेकिन जो भी वीडियो दिए हैं काफ़ी इंपोर्टेंट दिए हैं। और आप लोग का क्लास ऐप और वेबसाइट पर रेगुलर रूप से चल रहा है, आप लोग वहाँ पर आइए। यूट्यूब पे आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी प्लेलिस्ट में सेव होगा बहुत सारा वीडियो। और आज हम लोग संस्कृत का जो है पूर्णतः चैप्टर को समाप्त कर देंगे, सभी चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग समाप्त कर देंगे। एक ही वीडियो में आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, और कैसे देखने को मिलेगा हम वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। हम ये सभी जो है यहाँ पे सभी पार्ट को हम लोग देखेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कुछ। अब आप लोग सोच लेंगे इतना मतलब छोटा वीडियो में ये सारा चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल रूप से पॉसिबल है और सब कुछ है एकदम रूप से है। तो आपको क्या करना है, हम तो पहले आपको मंगलम पाठ, फिर पाटलिपुत्र पात्र सॉरी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का जो है अब सब्जेक्टिव प्रश्न को दिखाएंगे। तो मंगलम पाठ पे हमने क्या क्या क्लिक कर लिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पाठ मंगलम है। ये इसका जो है सब्जेक्टिव रूप है प्रश्न जो है सभी समाप्त हो चुका है, सारांश भी दिया गया, अर्थ भी समझा कर दिया गया। 100% आपको कहीं भी अब मतलब कि किताब आपको छूना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल रूप से सभी प्रश्न यहाँ से ही बन जाएगा आपको, और गारंटीड के साथ आपको यहीं से प्रश्न पूछा भी जाएगा। पहले तो मंगलम पाठ के लेखक जो है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं, याद रखिएगा। इस पाठ में जो है आत्मा के गुण रहस्य को बताया गया है, और मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, इसका अर्थ जल्द ही अपडेट किया जा रहा है, तो आपको नीचे जा करके देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है नदी और विद्वान में क्या समानता है, क्या अंतर है, क्या विशेषता है, इस चीज को आपको बताना है। ये 2 अंक का प्रश्न है, 100% आप 2 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, आपको याद ही हो जाएगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। जो महान और विद्वान लोग होते हैं संसार को किस कैसे पार कर जाते हैं। महान लोग अपने अज्ञानी तथा अन्य को विद्वान जानकर समझकर इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, यानी जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने आप को अज्ञानी अर्थात मूर्ख मानते हैं, जबकि दूसरे लोग को वे लोग विद्वान समझते हैं, और ऐसा मानकर वो क्या करते हैं, इस संसार के सागर को पार कर जाते हैं। महान व्यक्ति अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं और वो दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर जाते हैं, वो कभी नाम के लिए नहीं मरते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। इसका उत्तर आपके सामने स्पष्ट रूप से दिया गया है। पूरे पाठ का सारांश देखने के लिए आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी और इसका संस्कृत भी दिया गया है, संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी है। हे सूर्य, सत्य का मुख से सोने की आवरण से ढका हुआ है, मुझे उसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण आवरण को हटा दे। ध्यान रखिएगा यह मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार दूसरा जो है यहाँ पर मंत्र है, इस प्रकार के मंत्र है कठोर उपनिषद से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद आपके सामने में है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है, सारा चीज आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए, और ध्यान रखिए ये सारे पीडीएफ आपको प्राप्त करना अगर आप चाह रहे हैं फ्री फ्री में, तो आपको गूगल पे आ जाना है या क्रोम पर आ जाना है, और सर्च कर लेना है अपना परिवार का नाम माधव MADHAV माधव NCERT क्लासेस। जैसे आप गूगल पे या क्रोम ब्राउजर पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इस वाले पेज पे आपको सिंपली क्या करना है, एक छोटा सा क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश मारना है, यहाँ पे आकर के आपको क्लास 10th पे क्लिक कर देना। ध्यान से समझिए सारी चीज को, कोई भी फालतू यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो 10th वाले पे आपको क्लिक करना है। 10th पे क्लिक करने के साथ आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जैसे ओपन हो रहा है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट, क्या टॉपिक चाहिए, ग्रामर चाहिए, ये चीज़ बताएं। और यहाँ से देखिए आप सारे विषय देख सकते हैं। फिलहाल हम संस्कृत की बात करेंगे, तो संस्कृत पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रिफ्रेश लेना है, रिफ्रेश लेने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ से सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं VVI प्रश्न सभी को। नीचे आएंगे आपको सब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से आप सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख सकते हैं। मंगलम और पाटलिपुत्र दिया गया है, अन्य चैप्टर का जल्द ही अपडेट किया जा रहा है, तो आप आकर के पेज को रिफ्रेश मार करके चेक करते रहें। जैसे ही आपको सारा चीज हो जाता है, अब आपको लास्ट में क्या करना है, टेस्ट देना है। तो टेस्ट आपको क्या करना है, साप्ताहिक टेस्ट देना है, या फिर आप रोज टेस्ट दे सकते हैं, लगा सकते हैं फ्री में। इसके लिए आपको नीचे आ जाना है और डेली टेस्ट होम पेज पर आकर के डेली ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ
आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इस नया पेज में आपको जो भी टेस्ट देना है, क्लास 10, 12, 11, 12 जो भी देना है, उस क्लास का आप टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो क्लास को कीजिए शिद्दत के साथ, कीजिए सोइए नहीं, एकदम क्लास को रेगुलर अच्छी तरह से कीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा, सोइए नहीं कॉमेंट कीजिए अच्छी तरह से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।